एक राजा थे दीदी, शांति से सुना देते, सुनिएगा ना दीदी। वो राजा के अधिको धन था, लेकिन इतना निकर्मी राजा था दीदी कि एक दिन राजा कोई भगवान के नाम नहीं लेते थे। खाली नित्य दिन उठ के राजा दूसर के धन बटोरे में, दूसर के संपत्ति बनावे में लगल रहते थे कि कितना जल्दी ओकरा से बटोर के हम बना ले। बताइए दीदी, कोई के नाम नहीं लीजिए, दुनिया संसार अपना ला है दीदी, क्या जरूरी है माई। अब राजा के रानी समझावे कि राजा ये शरीर है, लेकिन ये शरीर अपना हाथ में नहीं है, ये धन है, लेकिन ये धन भी अपना हाथ में नहीं है। कब छोड़ के जाने परे वो कौन नहीं जानता है। खुश रहिए दीदी। रानी कितनों लाख समझावे कि राजा कम से कम कोई भगवान के नाम लीजिए और दान पुण्य करिए, कम से कम शरीर के लिए कुछ बनाइए राजा। लेकिन राजा एक बात रानी के नहीं माने दीदी, वो अपने आप में राजा घमंड से आंधर रहे। रानी कहलन राजा नहीं है बात मानब, जब शरीर गिरी है राजा हाथ गोर काम न करी है, तब जखनी याद है कि धन अपना है कि भगवान के कर्म अपना है। लेकिन फिर भी रानी नहीं माने दीदी, राजा एक बात रानी के नहीं माने। सच में दीदी, जब राजा के ऊपरे से जाय के औखत आ गेल, जब वृद्धावस्था में राजा के दीदी जाय से 3 महीना 4 महीना पहले राजा के गोर हाथ से एकदम बेकाम हो गए। ना माजी हाथ चले, ना पैर चले, ना कंठ खुले, चुपचाप राजा बेड रेस्ट पर पड़ल रहे, आंख से टप टप आंसू गिरे। रानी कहे कि यही दिन ला कहली हल राजा कि कम से कम कुछ भगवान के काम भी करा राजा, लेकिन तू अपने आप में मगन रहला, कोई भगवान के न बुझला। आज कौन काम दे हा? धन काम दे हो, सुंदर सुंदर बेटा काम दे हो, अरे बहुत करेंगे तो सेवा कर देंगे, जो कलहट है जे कौन हर लेगा। वो हरता है कोई दीदी, लाख रुपया लेके जाते हो दीदी, कोई समय ऐसा भी पता जाए था, लेकिन वहां रुपया काम कर रहा है दीदी जब तक भगवान की कृपा न हो, जब तक। इसीलिए कहना है, रानी कहे कि अब क्या करे राजा, पैरों तो नहीं चल रहा है कि घिसिया के कोई धामो ले जाए आपको, हाथों तो नहीं चल रहा है राजा कि अपना हाथ से सीतो राम करिए ताली भी बजाइए, कंठ भी नहीं खुल रहा है कि एको वचन भगवान के नाम भी लीजिए कि भगवान हमारा पार लगाइए। राजा खाली सुने दीदी, आंख से देखे, लेकिन कोई शरीर काम न करे। अब रानी बोलन कि यही दिन ला कहली राजा, लेकिन तू ना मानला, ना मानला तब तोरा जोरे जोरे हमरो गति है। गिरल समांग वाला के दीदी उससे ज्यादा संकट होता है ओकरा सेवा करे वाला के। अब का करी राजा। सच में दीदी, 3-4 महीना के बाद जब बेचारा के ऊपरे से भगवान टिकट काट दिए कि अब आना है, बहुत संकट आप झेल ली, जब समय आ गया भैया यमराज लियामन, एक बोली खाली उनका आत्मा निकलते के समय, जैसे आत्मा ही निकलता है ना चोला छोड़ के, एक आवाज खाली राजा बोले हे भगवान सीताराम, एक आवाज बोले, उनका बोलता महाराज चले गए। वहां गए ब्रह्मा विष्णु सब पोथी उलट के देखते हैं ना तीनों लोक में दीदी कि क्या क्या कर्म करके कौन लोग में संसार आ रहा है। वो रोज वहां हिसाब हो रहा है, यहाँ ना हिसाब नहीं दे रहे ना। आज पति से और बेटा से छिपा के कुकर्म कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि अरे हमारे हिसाब ले वाला कौन है, लेकिन छिपा के कर रहे हैं सबसे, लेकिन भगवान से छिपा के कहाँ जाइएगा, वहां हिसाब डेली हो रहा है दीदी। भगवान ब्रह्मा जी पोथी उलट के देखते हैं दीदी, जब पोथी उलटते हैं बचपन के अवस्था वाला, अरे ये तो इतना बिगड़ल है राजा कि बचपन से ही ऐठल है, कोई के भाव नहीं देता है। जवानी वाला देखे तो ये अपना रंग में है, एक बचन कोई के नाम तो भगवान के लेवे नहीं किया, इतना पापी राजा है। वृद्धावस्था वाला देखते हैं दीदी, 3 गो खता वहां बनता है, हर चीज में हर कर्म करना है, और सब कर्म छोड़ दीजिए, लेकिन वृद्धावस्था में कम से कम भगवान के सेवा करते रहिए। वृद्धावस्था वाला देखते हैं भैया, उसमें तो एक बचन खाली, जब आने के समय में एक बचन खाली राजा भगवान के नाम लिया है,
तब बोले कि अरे इसको तो नर्क होना है सब दिन के लिए, लेकिन एक वचन भगवान के नाम लिया उसको लिए 24 घंटा के लिए स्वर्ग और बाकी सब दिन के लिए नर्क। राजा के मिट्टी परल है, सब भगवान वहाँ फैसला कर रहे हैं क्या होना चाहिए। ब्रह्मा जी कहे कि 24 घंटा के नर्क दे दीजिए, अति स्वर्ग दे दीजिए, बाकी सब दिन के लिए नर्क दे दीजिए। राजा बोले कि भगवान अगर देना है तो 24 घंटा के लिए कहला स्वर्ग दीजिएगा, सब दिन के लिए नर्क दे दीजिए मंजूर है, लेकिन 24 घंटा के लिए स्वर्ग में नहीं जाएंगे। भगवान बोले दीदी कि यहाँ जितना जो कर्तव्य करके आता है उतना उतना फल मिलना चाहिए। भगवान घर जब उल्टा हो जाएगा तो दुनिया पलटिए जाएगा। एक वचन के लिए 24 घंटा के लिए स्वर्ग चाहिए। नहीं माने राजा दीदी, बोले कि नहीं जाएंगे भगवान, हमारा पछतावा नहीं आवे कि स्वर्ग कैसा है नर्क कैसा है, इससे अच्छा है कि नर्क दे दीजिए स्वर्ग काहे जाएंगे। विष्णु जी भी वही बोले, बोले कि अब क्या होना चाहिए, अरे ले जाइए तीनों लोक के महादेव, फिर वही फैसला करेंगे महादेव, क्योंकि जो करते हैं जो हमारे भोलेनाथ तीनों लोग के स्वामी है वही करते हैं। भोलेनाथ भी ले गए दीदी, पूरा सभा लगा दिए और बीच में राजा के मट्टी पार दिए, यमराज सब ढो रहे हैं, ब्रह्मा जी भी एक लोग, विष्णु जी भी दो लोग, शंकर जी भी तीन लोग, उनका मट्टी जा रहा है घूम के, पूरा सभा लगा दिए। शंकर भगवान बोले दीदी कि इसको सब दिन के लिए स्वर्ग होना चाहिए। सब भगवान बोले कि कैसे हो जाएगा भगवान, आप तो भोलेनाथ सच में बहु रहा है, जैसे सोना के लंका रावण के दे दिए अपना ला टुटली पलानी है, इस सही में बौरहवा बौरहवे रह गए। एक दिन जो आया है अच्छा कर्म करके उसको सब दिन के लिए स्वर्ग दे दीजिएगा, तो दुनिया कहेगा कि अरे चल ना एक दिन स्वर्ग में, एक दिन भगवान के पूजा कर ले तो तर जेबे, संसार में आओ पाप बढ़ेगा पाप नहीं कमेगा। भगवान महादेव बोले कि सोच लीजिए पहले क्या होना चाहिए, हम तो बोलेंगे कि सब दिन के लिए राजा का स्वर्ग होना चाहिए, कैसे होना चाहिए भगवान बताइए। ब्रह्मा विष्णु महेश सब पूछे लगे, बोले कि कोई जिंदा में सोचिएगा कि तीनों लोक घूम जाएं, लेकिन राजा के मरल मट्टी तीनों लोक घूम गया। ब्रह्मा जी भी एक लोग, विष्णु जी भी दो लोग और शंकर जी भी तीन लोग। ए राजा ऐसा प्रतापी ऐसा भक्ति भाव करने वाला तो दुनिया संसार में कौन होगा, जिंदा में तो कोई सोच भी नहीं करते कि हम लोक में घूमे, इकर मरलो मट्टी तीनों लोक घूम गया। कैसे घूम गया दीदी, कि राजा भले भगवान के नाम नहीं लिए लेकिन एक बड़ा किसान थे राजा, पैदा उपजाते थे सबके खिलाते थे, वो पैदा से जीव जंतु पशु पंछी सब खाते थे जीते थे, इसीलिए राजा के स्वर्ग मिल गया। देखिए दीदी, एक नाम के कारण राजा के स्वर्ग मिल गया सब दिन के लिए, तो इंसान मनुष्य इतना मन में घमंड काहे रखते हैं कि आए हमारे गीता दीदी ही चर्चा होते है रे, वो गोतिया है ओकरा से बदला ले लेवे लेकिन ओकर चर्चा में न जेबे। लेकिन दीदी ब्याह शादी में बदला पुरा लीजिए, लेकिन भगवान के भक्ति भाव में बदला नहीं पुराइए। अगर रोना है तो रोइए जाके हिस्सा ला, लेकिन भगवान के शरण में नहीं ईमान रखिए कि नहीं जाना है, सबको आना है। बोलिए सच्चे दरबार की, हर हर महादेव की।